हरे कृष्ण। एक बार एक ब्राह्मण था, सुबह शाम बड़े अच्छे से आरती किया करता था, फूल लेके आया करता था, भगवान पे चढ़ाया करता था और सुबह शाम डिटरमाइंड है आरती किया करता था। उसके घर के सामने एक वैश्या रहा करती थी। जैसे ही यह आरती शुरू करता था, वैश्या के कान इसके घर की ओर चले जाते थे। वैश्या ये सोचती रहती थी कि अब यह भगवान का भोग लगा रहा होगा, अब यह भगवान को फूल अर्पित कर रहा होगा, कितना भाग्यशाली है, अब यह भगवान की सेवा कर रहा होगा, अब इसने भगवान को श्रृंगार किया होगा। ऐसे विचारों में यह वैश्या डूबी रहती थी। इधर ये ब्राह्मण कर तो रहा होता था लेकिन इसके कान भी वैश्या के घर की तरफ ही रहते थे। जब कभी किसी गाड़ी का हॉर्न बजता तो ये सोचने लगता, अब कोई सेठ आया होगा, अब वैश्या ऐसे कर रही होगी, अब वैश्या वैसे कर रही होगी, अब इनके घर में ये चल रहा होगा, अब ये हो रहा होगा। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। ब्राह्मण के जब प्राण छूटे तो ब्राह्मण का जीवन असफल हो गया, उसको भगवान नहीं मिले। इधर जब वैश्या ने अपना शरीर छोड़ा, उसको भगवान के दर्शन हुए, उसको भगवान मिल गए। So what is the take in the story? What you do is important, but more important than what you do is the feeling that you have for what you are doing. जो आप कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से कर रहे हो। जब हम जो चीज कर रहे हैं, चाहे फूल अर्पित करते हो, चाहे आरती करते हो, चाहे भगवान की सेवा करते हो, अगर उसके पीछे हम प्योर अनएडल्टरेटेड फीलिंग्स को भी जोड़ दें, यू विल रीप रिच डिविडेंड्स एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेस। व्हाटएवर यू डू, डू इट विद द फील, डोंट लेट इट बी मैकेनिकल। हरे कृष्ण।